हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन जगत जननी माँ सीता का जन्म हुआ था, इसलिए इस तिथि को सीता नवमी के नाम से जाना जाता है। सीता नवमी के दिन माँ सीता की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस दिन पूजा व्रत का विशेष शुभ परिणाम मिलता है। कहते हैं माता सीता माँ लक्ष्मी का ही प्रतीक है। माता सीता की पूजा से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। मिथिलांचल में यह पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन माता सीता की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति के साथ संतान सुख का भी आशीर्वाद मिलता है। मान्यता है कि माता सीता की आराधना करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। सीता नवमी के दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती हैं। आइए दोस्तों अब सुनते हैं हम सीता नवमी की पौराणिक कथा। सीता नवमी की पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक वेदवादी श्रेष्ठ धर्मधुरीण ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम देवदत्त था। उन ब्राह्मण की बड़ी सुंदर रूप गर्विता पत्नी थी। उसका नाम शोभना था। ब्राह्मण देवता जीविका के लिए अपने गांव से अन्य किसी गांव में भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। इधर ब्राह्मणी कुसंगत में फंसकर व्यभिचार में प्रवृत्त हो गई। अब तो पूरे गांव में उसके इस निंदित कर्म की चर्चाएं होने लगी, परंतु उस दुष्टा ने गांव ही जलवा दिया। दुष्कर्मों में रत रहने वाली वह दुबुद्धि मरी तो उसका अगला जन्म चांडाल के घर में हुआ। पति का त्याग करने से वह चांडालिनी बनी। गांव जलाने से उसे भीषण कुष्ठ हो गया तथा व्यभिचार कर्म के कारण वह अंधी भी हो गई। अपने कर्म का फल उसे भोगना ही था। इस प्रकार वह अपने कर्म के योग के दिन दारुण दुख प्राप्त करती हुई देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार देव योग से वह भटकती हुई कौशलपुरी पहुंची गई। संयोगवश उस दिन वैशाख मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, तो जो समस्त पापों को नाश करने में समर्थ है। सीता नवमी के पावन उत्सव पर भूख प्यास से व्याकुल वह दुखियारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे सज्जनों, मुझ पर कृपा कर कुछ भोजन सामग्री प्रदान करो, मैं भूख से मरी रही हूँ। ऐसा कहती हुई वह स्त्री श्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई उसमें प्रविष्ट हुई। उसने पुनः प्रकार पुकार लगाई, भैया कोई तो मेरी मदद करो, कुछ भोजन दे दो। इतने में एक भक्त ने उससे कहा, देवी आज तो सीता नवमी है, भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा, कल पारण करने के समय आना, ठाकुर जी का प्रसाद भर पेट मिलेगा। किंतु वह नहीं मानी। अधिक कहने पर भक्त ने उसे तुलसी एवं जल प्रदान किया। वह पापनी भूख से मर गई, किंतु इसी बहाने अनजाने में उससे सीता नवमी का व्रत पूरा हो गया। अब तो परम कृपालु ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह पापनी निर्मल होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक अनंत वर्षों तक रही। तपश्चात वह कामरूप देश के महाराज जय सिंह की महारानी काम कला के नाम से विख्यात हुई। जाति स्मरा उस महान साध्वी ने अपने राज्य में अनेक देवालय बनवाए, जिनमें जानकी रघुनाथ की प्रतिष्ठा करवाई। इस दिन जानकी स्त्रोत राम चंद्रकाष्टम रामचरितमानस आदि का पाठ करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अतः सीता नवमी पर जो श्रद्धालु माता जानकी का पूजन अर्चन करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख सौभाग्य प्राप्त होते हैं। साल 2023 में सीता नवमी कब है? इस साल यानी कि 2023 में सीता नवमी 29 अप्रैल दिन शनिवार को है। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को यह सीता नवमी की संपूर्ण जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।